जो वारिसीन हैं इनमें वरासत तकसीम होती है दो तरीकों से। कुछ वारिस ऐसे हैं जिनको मिलती है लिमिटेड, अल्लाह ताला ने कुछ हिस्से मुकर्रर किए हैं इनको, एज जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। कुछ वारिस ऐसे होते हैं जिनको अनलिमिट मिलता है, उसके लिमिट मुकर्रर नहीं की, बल्कि जो बचेगा वो उसको देगा। अगर किस मसल मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर किसी आदमी ने मरने के वक्त बीवी को छोड़ा, किसको, बीवी को छोड़ा और बेटे को, बीवी को जो है 1/8 मिलेगा, यानी आठवां हिस्सा मिलेगा, जितना हिस्सा बच गया वो किसको मिलेगा, बेटे को। तो यहां पे इसका हिस्सा, उसकी कोई लिमिट बयान, ये जितना बचेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहिकुल फराइदा बिअहलिहा, वो मैं कह रहा था कि वरासत की कितनी किस्में हैं, कुछ वारिस ऐसे हैं जिनको फर्जन मिलता है। फर्ज किसको कहते हैं, फर्ज कहते हैं हम लिमिटेड, और एक होता है तसीबन, ये है अनलिमिटेड, इसकी कोई मिकदार। हमारे सामने एक मसला है कि हमें वारिस का तायुन करना है, वारिस का तायुन करना है, और इस वारिस का तायुन हम कहाँ से करेंगे। इस्लाम ने हमें इसके लिए तीन रास्ते बताए, एक है नसब, और एक है निकाह, और एक है वला। क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, मैं जल्दी से जो है ना आपको बताऊंगा कि हमारे पास किस रास्ते से कौन वारिस बनता है। एक आदमी को मैक्सिमम 25 वारिस हो सकते हैं, या वारिसों की तादाद मैक्सिमम कितनी है, 25 है। इसमें आप देखिए, गौर से देखें, उसूल में हमने कहा हमारे पास 6 रिश्तेदार हैं लेकिन 5 वारिस हैं, बाप, माँ, दादा, दादी और नानी, ये वारिस है। अब एक इंसान, उसके भी अपने बाल बच्चे होते हैं, एक इंसान का या तो बेटा होगा या बेटी होगी, बेटे के भी बेटी होगी और बेटा होगा, पोते और पोतियां, और बेटी का भी होगा बेटा और बेटी, नवासा नवास, ये कितने हो गए, 6। लेकिन इनमें से जो है आपके जो वारिस हैं वो है बेटा, बेटी, पोता और पोती, 6 में से 4 रिश्तेदार 6 हैं लेकिन वारिस आपके क्या हैं, 4। बेटी का बेटा यानी नवासा या नवासी वारिस क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो है दूसरे मर्द के बच्चे हैं, किसके, यानी आपने अपनी बेटी को किसी अजनबी आदमी के साथ ब्याह कर दी, और उस बाप के जो बेटी है, अगरचि वो आपके बेटी से पैदा हुए लेकिन उनका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, दूसरे, लेकिन आपके बेटे का जो बेटा है वो आपका एक सिलसिला चल रहा है। तो कितने हो गए, उसूल में से 5, फरू उनको हम क्या बोलते हैं, फरू में से 4, कितने हो गए, 9। अब आपके पास एक वो रिश्ता है मैयत का रिश्तेदार, वो भी है जो उसके माँ बाप में शरीक है, मैयत का वो भी रिश्तेदार है जो उसके माँ बाप में शरीक है। मसलन यहाँ पे है अब्दुल्ला, इसका भाई है अहमद, इनमें क्या रिलेशन है, ये दोनों या तो माँ से मिलते होंगे या बाप से मिलते होंगे या दोनों से। अगर ये दोनों माँ बाप से मिलते हैं तो हम क्या इनको बोलते हैं, सगा भाई। अगर ये सिर्फ बाप से मिलते हैं, इनकी माएँ अलग हैं, तो ये बाप शरीक, मालिकुनी माज अलग। अगर ये माँ में मुश्तरक हैं लेकिन इनके बाप अलग हैं,
तो इनको हम क्या बोलते हैं, माँ शरीक भाई। तो कितने भाई हो गए हमारे पास, तीन, और इसके मुकाबले में तीन बहनें, कितने हो गए, छः। इसी तरह अगर अब्दुल्ला का अगर कोई आदमी मर गया, उसका नाम है साले, साले का बाप और अब्दुल्ला का जो बाप है वही अहमद का भी है, ये साले का क्या लगता है, खबर कुछ पाला फिर, ये चच्चा है उसका, ये उसका क्या है, यानी साले का जो बाप है अब्दुल्ला उसका एक भाई है। ये अहमद और अब्दुल्ला किस में शरीक है, ये भी या तो सगे भाई होंगे या बाप शरीक होंगे या माँ शरीक होंगे। तो हमें जहाँ से कितने आए थे, छः, तो वहाँ से भी कितने होंगे, छः होंगे। लेकिन अब ये कितने आपके रिश्तेदार बन गए, बारह। वारिस कितने हैं, पच्चीस। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो भाई है, सगा भाई, सगी बहन, बाप शरीक भाई, बाप शरीक बहन, माँ शरीक भाई, माँ शरीक बहन, ये छः के छः वारिस हैं। सगा चचा, ये बाप शरीक चचा, ये दो वारिस हैं। सगी बहन यानी आपकी पोफी, मैयत की पोफी, वारिस नहीं है। मैयत की चाहे सगी पोफी हो या बाप शरीक पोफी हो या माँ शरीक पोफी, कोई वारिस नहीं है। कस गए, छत्तीस कस गए, आठ। अच्छा, अब हम सेकंड जनरेशन पर आएंगे। सगे भाई का बेटा और बाप शरीक भाई का बेटा, ये दो वारिस है, बाकी कोई वारिस। सगे भाई की बहन, सगे भाई की बेटी या सगी बहन की बेटी, ये वारिस नहीं है। इसी तरह जो चचा है वो भी कितने हैं, तीन चचा हैं, तो उनमें दो वारिस है, एक वारिस नहीं है। और दो चचा के जो बेटे हैं वो वारिस है, कितने हो गए, गई मश्ती। ये सारे के सारे आते हैं, पांच और चार कितने हो गए, नौ, और ये सोलह आते हैं, पच्चीस हमारे वारिस है। क्या है, चूंकि यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर ये सारे के सारे मौजूद होंगे, अगर ये सारे के सारे मौजूद होंगे तो किसको वरासत मिलेगी। अमूमन जो है ना, इसमें हम तीन तकसीम करते हैं। कोई आदमी मर गया, उसने अपने पीछे सिर्फ मर्दों को छोड़ा, तो उस वक्त जो वारिस होगा वह है बाप, बेटा, शौहर। इसमें मरने वाला कौन है, औरत। यानी अगर औरत है तो उसके मर्दों में से किसको मिलेगा, बाकी को क्या होगा, बाकी की छुट्टी। अगर चूंकि ये बसना बताना है हमको, वरना ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी के पीछे सिर्फ औरतें हैं तो किसको मिलेगा, बेटी और माँ, बहन, ज़ौजा यानी मरने वाला इसमें कौन है, और है यहाँ पे बेटे की बेटी, कितने हो गए, पांच। अब अगर मिक्स है, मर्द वारिस भी है और ख्वातीन भी हैं, तो वहाँ पे सिर्फ पांच को मिलेगा। इसमें कुछ बचेगा किसमें, इसमें जब ये ऐसे बांटेंगे अगर पीछे सिर्फ बेटियां छोड़ी होगी, इसमें नहीं बचेगा कुछ, निसब सुदुस सुदुस नहीं कुछ बचेगा, मुझे बल्कि कम पड़ेगा, खाने वाले ज़्यादा इसमें। तो अगर किसी ने अपने पीछे मिक्स को छोड़ा, मर्द भी है और तो वहाँ पे पांच को मिलेगा, बाप, माँ, बेटा, बेटी, शौहर या ज़ौज, क्योंकि मरने वाले पे डिपेंड करता है, मर्द मर्द है तो ज़ौज, औरत है तो। ये ज़िमनन बात बोली थी क्योंकि ये कानूनी वरासत में ज़रूरी बताना है। चूँकि मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास इस वर्कशॉप को कायम करने के लिए या कमा हक़ हो कुछ पढ़ाने के लिए वक्त की ज़रूरत है,
और वो वक़्त हमारे पास कम है। हम नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन हमारे पास कम है। तो 4:45 तक अभी हमारे पास 50 मिनट हैं, और उसके बाद हमारे पास सवालात का सिलसिला है। तो सवालात का जो है ना सिलसिला हम 1 घंटे के लिए करेंगे, और जो अभी हमारे पास टाइम बच जाता है उसमें मैं क्या करूँगा, जो सूरह निसा की जो आयतें हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने तकसीमी मीरास को बयान किया, उन्हीं आयात को हम यहाँ पे तशरीह करेंगे, क्योंकि अक्सर जो है हमें वही पेश आता है। अब जो इंसान इसमें और ज़्यादा एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या है, उसको वर्कशॉप के अलावा क्या करना है, दर्शन पढ़ना है। इसीलिए मैंने पहले कहा मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु जुल्लुहु, जो चीज़ आपको सारी नहीं मिल सकती लेकिन जो मिलता है वो तो ले लो। तो इस मुख्तसर वक्त में अभी हमारे पास 45 मिनट बचना है, तो हम इंशाल्लाह इसमें क्या करेंगे, हम कुरानी आयात को मिन अन यहाँ पे वजाहत करेंगे। कुरान लियो, अल्लाह ताला फरमाते हैं युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, للذكر مثل حظ چونکہ قرآن نے جو ہے نا ہر سٹیپ پہ جو ہے نا وارثوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے شروع کن سے ہوئی، اولاد سے، یوصیکم اللہ فی، جب کہیں بھی اولاد کا ذکر آئے، असल में औलाद कहते हैं लड़कों को, लेकिन जहाँ लड़कों और लड़कियों का जिक्र अलग अलग नहीं आएगा तो वहाँ पे अगर औलाद का जिक्र आता है तो उसमें दोनों लड़के भी आते हैं और, तो यहाँ मुराद क्या है, क्यों आगे इसकी मिसाल है ना, आगे इसकी वजह है युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है। अल्लाह ताला वसीयत नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला का वसीयत क्या है, हुक्म है। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म करता है किस में, पहले आयत मवारिस के बारे में जिक्र आया है, लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदैन वलिन्निसाई नसीब मिम्मा तरकल वालिदैन वलअक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसर नसीब मफ़रूदा, उसके बाद वइज़ा हज़र अल-क़िस्मता, उसके बाद जो तीसरी आयत है युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद के बारे में हुक्म करता है क्या, लिज़्ज़करी, एक लड़के को, ज़कर किसको बोलते हैं, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक लड़के को इक्वल टू दो लड़कियों का जो शेयर है वो मिलेगा। ये पहली कंडीशन है, इसका मतलब है अगर किसी आदमी ने अपने पीछे जो औलाद छोड़े हैं वो मिक्स हैं, लड़के भी हैं और, तो उसमें क्या रूलिंग है, लड़के को दो शेयर और लड़की को एक शेयर। अगर किसी ने अपने पीछे एक लड़का और एक लड़की छोड़ी तो उसके की प्रॉपर्टी के कितने हिस्से हो जाएंगे, उसकी वरासत के 3 हिस्से हो जाएंगे, 2 मिलेंगे लड़के को और एक मिलेगा लड़की को। अगर किसी के पास 2 लड़के 2 लड़कियां, कितने हिस्से करने हैं, 6 हिस्से, 4 हिस्से लड़कों को 2 हिस्से, इसी तरह चलना है। ये हो गई एक कंडीशन। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़कर मिथ्लु हज़्ज़िल उन्थैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इथ्नतैन, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इथ्नतैन फ़लहुन्न थुलुसा मा तरक। एक कंडीशन ये है कि आदमी मर गया, उसके जो पीछे बेटे और बेटियां हैं मिक्स में, औलाद जो है वो लड़के भी हैं और, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोई आदमी मरता है
उसने अपने पीछे लड़के नहीं बल्कि लड़कियां छोड़ी। अब इनमें भी दो कंडीशन, या तो एक लड़की या दो से, तो यहां दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? एक। दूसरी कंडीशन क्या है? दो लड़कियां या दो से ज्यादा, कोई आदत नहीं, दो लड़कियां, दस बारह बीस जितनी है। फइन कुन्न निसाअन, अगर ये लड़के औलाद क्या होंगे? लड़कियां होंगी। फौकस नतैनी, दो या दो से, फलहुन, उनको कितना मिलेगा? सुलुसा। सुलुस कहते हैं एक बटा तीन, यहां पर बताया गया सुलुसा दो, तो एक बटा तीन, एक बटा तीन कितना हो गया? दो बटा तीन। तो दो बेटियों या तीन बेटियों, चार बेटियों, पांच बेटियों, छह बेटियों, जितनी भी है दो के बाद, उनको कितना मिलेगा? दो बटा तीन। ये हो गई दूसरी कंडीशन। फलहुन सुलसा मा तरक, जो उसने छोड़ा। अब उसके तरीका में से उसकी बेटियों को कितना मिलेगा? दो तिहाई, दो बटा तीन, यानी उसकी प्रॉपर्टी के तीन हिस्से किए जाएंगे। दो हिस्से मिलेंगे किसको? बेटियों को, और एक हिस्सा किसको मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्हिकुल फराइद बिअहलिहा फमा बकिया फलिअउला रजुलिन ज़कर। अल्हिकुल फराइद, क्योंकि वरासत के तकसीम करने के दो तरीके हैं। जो वारिसीन हैं, इनमें वरासत तकसीम होती है दो तरीकों से। कुछ वारिस ऐसे हैं जिनको मिलती है लिमिटेड, अल्लाह ताला ने कुछ हिस्से मुकर्रर किए हैं इनको, एज जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। कुछ वारिस ऐसे होते हैं जिनको अनलिमिट मिलता है, उसके लिमिट मुकर्रर नहीं की, बल्कि जो बचेगा वो उसको देगा। अगर किस मसल, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर किसी आदमी ने मरने के वक्त बीवी को छोड़ा, किसको? बीवी को छोड़ा और बेटे को, बेवी को जो है एक बटा आठ मिलेगा, यानी आठवां हिस्सा मिलेगा, जितना हिस्सा बच गया वो किसको मिलेगा? बेटे को। तो यहाँ पे इसका हिस्सा, उसकी कोई लिमिट बयान नहीं, ये जितना बचेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्हिकुल फराइद बिअहलिहा। वो मैं कह रहा था कि वरासत की कितनी किस्में हैं, कुछ वारिस ऐसे हैं जिनको फर्जन मिलता है। फर्ज किसको कहते हैं? फर्ज कहते हैं हम लिमिटेड। और एक होता है तसीबन, ये है अनलिमिटेड, इसकी कोई मकदार नहीं है। फर्ज जो है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर छह फर्ज बयान किए, आधा, चौथा, आठवां हिस्सा, तीसरा हिस्सा, दो तिहाई और छठा हिस्सा। ये कितने फर्ज हैं? छह फर्ज। और इसके लिए अलग अलग वारिस हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं, वरना अभी हम वारिसों के बाद क्या करते शुरू, किस वारिस को कैसे मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त नहीं, तो इसमें जो कुरान की जो आयतें हैं, इसमें इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि किस वारिस को कितना मिलेगा। लेकिन इसके लिए ये वजह ज़रूरी करें कि जब हम तकसीमी वरस पर आएंगे, तो हमारे पास जो वारिस हैं वो किस किस कितने किस्म के हैं? दो। एक किस्म वह है कि जिनको हमें लिमिट के हिसाब से देना है, कुछ ऐसे वारिस हैं जिनको हमें उनकी लिमिट, और यही अल्लाह के नबी ने समझाया, अलहिकुल फराइद बिअहलिहा। सबसे पहले हम शुरू किसका करना है? सबसे पहले शुरू करना है वारिसीन में उसको देना है जो जिसको लिमिटेड मिलता है, जिसको फर्दन मिलता है। फमा बकिया, जो बचता है, फलिअउला रजुलिन ज़कर। अब देखा जाएगा कि मैयत का जो सबसे करीबी आदमी कौन है। सवालों में से एक सवाल यह भी आया है कि दरअसल जब हम अपने माशरे को देखते हैं जहाँ पे मादा परस्ती का गलबा है, तो उस मादा परस्ती ने हमें रिश्ते बुला दिए। क्या रिश्ते बुला दिए? सवाल है कि अगर किसी शख्स ने अपने पीछे बेटियाँ छोड़ी, जैसे ये मसला, क्या छोड़ी? अब हमने कहा कि अगर दो बेटियाँ हैं तो दोनों को कितना मिलेगा? दो बटा तीन। अब ये इसमें जो एक बटा तीन बच जाता है वो किसको मिलेगा? फलिअउला रजुलिन ज़कर, अगर अब उसका भाई जिंदा है। ये हमें लगता है कि ये कोई अनहोनी बात है, आदमी ने उम्र भर कमाया, अब मरने के बाद
हमारे तस्वर में जो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिलनी चाहिए, लेकिन वो उसको मिलता है, शरीयत किसको देता है? ये चुकासन ऐसे काल पेट क्या इस? हमारे पास रिश्ते उसकी कोई कदर? या भाई ये आपका भाई है, फली अवला रजुल ज़कर, ये आपका भाई है, आपका खून एक ही है, लेकिन हमारी मादा परस्ती ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तो अभी ये इसीलिए जाना, ये बात हमें हजम नहीं होती है। इस जबन ये कैसा मुमकिन है कि बुमार ये जो मैंने प्रॉपर्टी कमाई है उसमें से मेरे भाई को मिलेगा? भाई क्या लगता है हम सबसे बड़ा दुश्मन? अब ये भाई का तस्वूर ही नहीं। अगर आपको कहा जाएगा फली अवला रजुल ज़कर में आपका चचेरा भाई है, फिर तो दुश्मनी ज़्यादा बढ़ेगी। चचेरा भाई भी आपका वारिस बन सकता है, चचेरा भाई भी आपका मसल, मान लो कि इसी मसल में एक आदमी मर गया, उसके पास दो तीन बेटियां थी, दो बड़ा तीन, किसको मिलेगा? अब उसका अपना भाई नहीं है, अब उसका अपना भाई उसका चचे का बेटा है, चचे का बेटा है, किसका? मैयत का चचे का बेटा है, इनको क्या लगेगा? अरे इनका कहाँ है, वो तो मैयत का चचेरा बेटा है, इनका बाप का चचेरा बेटा है, तो इसने दूर आदमी को कैसे दे देंगे? ये हजम होने वाले बात। लेकिन कुरान क्या कहता है? वतिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरे हुदूद है, वो मैं यतअद्दा हुदूदल्लाह, क्या है? जो अल्लाह ताला की हुदूद की तजावुज करेगा, फौलाइका हुमुल ज़ालिमून, हम जालिम बनना बर्दाश्त करेंगे, लेकिन तसव्वुर नहीं कर सकते कि चचेरे भाई को मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ मिलेगा। बहरहाल यहाँ पे कहना था कि अगर आदमी के पास दो बेटियाँ हैं उससे ज़्यादा है तो उनको कितना मिलेगा? दो बटा तीन, और जो बाकी हिस्सा बचेगा वो किसको दिया जाएगा? जो सबसे करीब मर्द होगा। तीसरी पोजीशन में, तीसरी हालत में, फइन कानत व इन कानत, फलहा अनिस व इन कानत, ये तीसरी पोजीशन है औलाद की। पहली पोजीशन क्या है? पहला यह है कि मिक्स में है, मिक्स है लड़के और लड़कियां, तो उसमें इस रूलिंग है, अगर आप लड़कियां ही हैं तो उसकी भी दो कंडीशन है, या तो दो या दो से ज़्यादा होंगी तो उनको दो बड़ा तीन मिलेगा, या एक ही बेटी होगी, मरने वाले ने अपने पीछे एक ही बेटी छोड़ी तो उसको फलहन निस्फ, उसको बाप की वरासत में से आधा मिलेगा। आधा किसको मिलेगा? फली अवला रजुल ज़कर। तो यहाँ पे जो है ना, अल्लाह ताला ने इस आयत में औलाद के हिस्से को बयान किया, और औलाद की कितनी कंडीशन बयान की? तीन। अब आते हैं आगे, उसके बाद लड़कों यानी बच्चों का हिस्सा तय करने के बाद अब अल्लाह ताला जो है ना वालदेन के हिस्से को बयान, वली अबवैही लिकुल्ली वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लहू वालिदैन की दो कंडीशन है, वालिदैन की दो कंडीशन है। एक कंडीशन अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, वली अबवई ही, अबवई किसको बोलते हैं? माँ को भी और बाप को भी। अब कहते हैं बाप को और माँ कहते हैं वली उम्मी, वली अबवई ही दोनों माँ बाप को, लिकुल्ल वाहिद हर एक को, इकट्ठे नहीं, लिकुल वाहिद मिनहुमा अस्सुदुस एक बटा। अगर कोई आदमी मरता है उसने अपने पीछे बाप को छोड़ा है और माँ को छोड़ा है तो बाप को भी मिलेगा एक बटा छः और माँ को भी मिलेगा एक बटा छः। लेकिन कब ये किस कंडीशन में है? इनका लहू वलद, अगर मरने वाले ने अपने पीछे औलाद छोड़ी, ये उस कंडीशन के साथ जो पहली सूरत हमने बयान की उसमें इनका भी दखल है। एक तो बच्चे हैं
एक तो बच्चे हैं और माँ बाप हैं। अब आप यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करेंगे, मसलन आदमी है उसने अपने पीछे छोड़ा बाप माँ बेटा, ये सूरत है, इनका न लहू वलद। अब उसके औलाद में से भी कोई आया, चाहे बेटी आएगा या बेटा आएगा या मिक्स में आएगा या जनरली है। अब देखो यहाँ पे बाप को मिलेगा 1/6, माँ को मिलेगा 1/6 और बेटा और बेटे ये इनका कॉमन मिलेगा। इस वक्त बेटी का अलग हिस्सा क्यों, इसने क्या कहना अलग 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 क्या फरमाया, फलिज़्ज़करी मिस्ल हज़्ज़। यहाँ पे जो है ना, अब इस वक्त बेटा और बेटी ये साहिबी फ़र्ज नहीं है, बल्कि यहाँ बेटी जो है बेटे के साथ मिलकर इसको बोल रहे हैं हम असाबा बन गई। क्या बन गई? अब इनको लिमिट में नहीं मिलेगी, इनको अनलिमिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, LCM जो है ना यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे 6 है और 6 है तो इसका जो है 6 से हो जाएगा। बाप को एक हिस्सा, माँ को एक हिस्सा, तो यहाँ बच गए 4। लेकिन यहाँ पे जो है अब देखिए 4 का जो आपके पास अदद है, अगर देखा जाए इनके सरों की तादाद कितनी है, बेटे को जो है 2 शेर मिलेंगे और बेटी को 1, लेकिन इनका कितना है 4/3 में तकसीम नहीं होगा। तो यहाँ कानूनी वरासत में एक और स्टेप आता है, उसको हम बोलते हैं तस्ही। क्यों? अज चुन कानूनी वरासत में चलान फुटवर तुन चलाएंगे अच्छे के साथ बराबर। अब देखिए इसका एक तरीका है, इनकी जो इनका जो हिस्सा है वो 4 है और इनके जो सरों की जो तादाद है वो 3 है। वैल्यू इनका कितना है 3, 4/3 में तकसीम, तो हमें 3 को जो है उठाकर ज़र्ब देना है किसके साथ, 6 के साथ। 3/6 कितना हो गया, जिस चीज़ में हमें 6 हिस्से करने थे अब उसी चीज़ में हमें क्या करना है 18 हिस्से करने। तो इसमें अब बाप को मिलेगा 1/3, 3 माँ को 3, कितने रह गया, 12 को तकसीम करो 3 में तो इसको मिलेगा 8, इसको मिलेंगे। ये थोड़ा मसाला अब आगे बढ़ता है, इसका क्या नाम है, ये तस्सी के बारे में। अगर मसाले में यहाँ पे आपका फिट होता है, LCM पूरा होता है तो आगे जाने की ज़रूरत, लेकिन जहाँ आपको इस किस्म का ये मसाला बन जाएगा तो उसका आपको आपको एक और स्टेप में आगे जाना है। और इसका भी एक अपना एक तरीका है जो आपको आधे घंटे में नहीं मिलेगा, बल्कि मैंने आपको एक ट्रिक उसकी बताई। क्यों देखना है उस वक्त, ये देखना है 4/3 में, 4/3 ये दोनों ऐसे आदत हैं जो आपस में डिफरेंट है। क्या है, मसलन अगर यहाँ पे अगर आपके पास 6 होता और यहाँ पे 3 तो टकराव है ही नहीं, तो टकराव नहीं है, लेकिन इसमें 3 सूत्र में टकराव हो सकता है। इतना छह जना, यहाँ मरने वाले का बाप है, माँ है, बेटा है, बेटी है, सही वही है उसका आप में। मैंने कहा प्रैक्टिकली कुछ मिसालें हम दे देंगे, क्योंकि यहाँ किसका हिस्सा आया, वलिकुल अबवैहि लिकुल वाहिद मिनहुम सुदुस, दोनों माँ बाप का अलग अलग हर एक का क्या है सुदुस है 1/6। कब, इनका न लहू वलद, जब यहाँ पे इनका, अच्छा मान लो यहाँ पे मैयत ने अपने पीछे एक ही बेटा छोड़ा तो कितने बच गए, 4/4 उसको मिलेंगे। अगर मैयत ने अपने पीछे अपने एक बेटी को छोड़ा तो यहाँ पे जो है ना बेटी को उस वक्त 1/2 मिलेगा। इस वक्त ये बेटी यहाँ पे साहिब फ़र्ज है, क्योंकि इसके साथ भाई नहीं है ना, तो अब यहाँ पे जो है ना इसको कितने मिलेंगे, 3। 1/6 का निस्ब कितना है 3। अब यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 1/5, एक उसको देंगे ये इसको मिलेगा। बाप और दादा वारिसों में सिर्फ 2 वारिस हैं जिनको दोनों तरीके से मिलता है, फर्जन भी तासीबन, जो बच जाएगा वो बाप को मिलेगा, जो बच जाएगा वो दादा को मिलेगा। ये तासीबन मिला रहे हैं इनको।
ये पहले फर्जन मिला, इसको मिला एक हिस्सा फर्जन 1/6 और 1 बज गए वो भी इसी को मिलेगा तासीबन। मैंने कहा बाप और दादा वारिसों में सिर्फ 2 आदमी हैं जो इस क्वालिटी के हैं। मैंने कहा ना कि वारिस जो हैं हमारे पास, वारिस 2 किस्म के हैं, बाज को फर्जन मिलता है, बाज को तासीबन मिलता है। लेकिन कुछ वारिस ऐसे हैं जिनको कभी फर्जन मिलता है और कभी, देखो यहाँ पे मैंने बेटी का मिसाल ली, अभी ये भाई के साथी तो क्या कैसे मिला इसको तासीबन, अभी ये अलोन आ गई तो फर्जन, तो ऐसा है। लेकिन कुछ वारिस ऐसे हैं जब इसको बेटी को फर्जन मिलेगा तो तासीबन नहीं मिलेगा, जब तासीबन मिलेगा तो फर्जन नहीं मिलेगा, एक ही कंडीशन है। लेकिन कुछ वारिस ऐसे हैं जिनको फर्जन भी मिलता है और तासीब, वो कौन है? बाप और दादा, बाप या दादा, क्योंकि बाप के होते हुए दादा नहीं है, तो अगर बाप नहीं तो दादा उसकी सूरत, तो उसको फर्जन भी मिलता है। तो आपके 6 के 6 से हो गए खत्म। हैं तो अवला कौन है फिर? अगर अगर वो भी आप करेंगे वो भी, तो फिर बाप के बाद कौन है? अच्छा ये हो गए बाप, माँ बाप की एक कंडीशन की, अगर मैयत ने बाप माँ बाप को छोड़ा और इसके अलावा किसको छोड़ा? औलाद में से किसी को भी छोड़ा, तो उस सूरत में माँ बाप को अलग अलग 1/6 मिला। अब दूसरी सूरत है फइन कान लहू वलद, फइन लम यकुल लहू व वरिसहू अबवाहू फलिउम्मिही अस्सुलुस। अब यहाँ पे वालदेन की दूसरी कंडीशन बयान की गई, फइन लम यकुल लहू वलद, अगर मरने वाले का औलाद नहीं है, कोई ना बेटा है ना बेटी है, वह वरिसहू अबवाहू, और उस सूरत में उसके सिर्फ वालदेन ही वारिस होंगे, क्या होंगे? फलिउम्मिही अस्सुलुस, तो उस वक्त माँ को 1/3 मिलेगा, बाकी 2 हिस्से कहाँ जाएंगे? बाप को जाएंगे, क्योंकि बाप का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, तो उस वक्त बाप को अल्लाह ताला ने क्या दिया? तासीबन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेंशन हुआ किसका हिस्सा? माँ का। तो इसका मतलब है जब माँ का हिस्सा मेंशन हो और ऊपर कहा गया कि वह वारिस हो अबवाहू, कि वालदेन इसके वारिस है, तो इसका मतलब है अगर माँ का हिस्सा मेंशन किया गया तो उसका हिस्सा मेंशन, अगर नहीं किया गया तो उसको कितना मिलेगा? बाकी मिलेगा। हो गए, हमारे पास जो वारिसिन हैं या तो लड़के होंगे, औलाद होंगे, या माँ बाप होंगे, अब कौन रह गया? हाँ अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माँ को जो है क्या मिला? 1/3। कब? जब मैयत की औलाद नहीं थी। लेकिन कुरान के अंदर एक और चीज का जिक्र किया, फइन का कहा? फइन कान लहू इख्वा, फलिउम्मिही अस्सुदुस, यहां मां की एक और हालत बयान की गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैयत की अपनी औलाद नहीं है, औलाद नहीं है तो उसके वारिस कौन है? माँ बाप। तो अगर माँ बाप सिर्फ वारिस हैं तो उस वक्त माँ को कितना मिलेगा? 1/3, 1/3। तो 2 हिस्से किसको मिलेंगे? लेकिन माँ को 1/3 मिलने के लिए एक और शर्त का भी इजाफा किया गया कि मैयत के अपने भाई ना हो, मैयत के अपने, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाए फइन काना लहू इख्वा, अगर मरने वाले के भाई भी हैं, 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई हैं, फली उम्मी हिस्सा, दोस्तों वो उनकी मौजूदगी माँ को घटा कर 1/3 से 1/6 पर ले आएगी। यहाँ पे जो औलाद है वो औलाद नाफलक है, क्यों? एक तो उनको खुद नहीं मिलेगा, ये कानूनी वरासत में लतीफ़ा है, एक आदमी मर गया, उसने अपने पीछे 2 भाई या 2 बहनें या 1 भाई 1 बहन क्या छोड़ा? और वालदेन को छोड़ा,
माँ को कहाँ पहुँचाएंगे ये लोग? भाइयों की मौजूदगी की वजह से माँ को नुकसान करेंगे, उसको 1/3 से उठाकर कहाँ ले जाएंगे? 1/6, लेकिन उनको खुद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जो रहेगा वो बाप को मिलेगा। बाप की मौजूदगी में भाइयों को ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, ये मैं गए औलादे कुरसन नुकसान। अगर उनको मिलता तो कोई फ़ायदा नहीं था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उनको खुद नहीं मिल रहा है, वो खुद बाप की वजह से महरूम हो रहे हैं, लेकिन माँ को भी नुकसान अल्लाह का इच्छा था। फ़ैन का नहु इखवतुल फली उम्मिही सुदुस। अगर मरने वाले का माँ की दो टेंशन है, माँ को कितना मिलेगा? उसको उसके दो हिस्से हैं, माँ के दो हिस्से हैं। एक हिस्से, एक सूरत में माँ को मिलेगा 1/3, 1/3। उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए दो शर्त है। एक ये है कि मरने वाले का अपना कोई औलाद ना हो, और दूसरी शर्त क्या है? मरने वाले के भाई ना हो, मरने वाले के भाई ना हो। अगर ये दो शर्तों से माँ खाली है तो उसको मिलेगा 1/3। बाप का इसमें कोई न दखल है और न उसके ऊपर कोई असर करेगा। अब इसके बाद किसका हिस्सा है? जल्दी करो, 10 मिनट रह गए। मिम बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन। यहाँ पे फिर आया क्या, जो मैंने पहले कहा कि तरीका जब इंसान छोड़ता है तो उसमें पहले क्या करेंगे, कफन दफन का इंतज़ाम, उसके बाद मिम बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, देखा जाएगा कोई वसीयत तो नहीं है, कोई कर्जा तो नहीं, उसके बाद जो है हम तकसीम, ये तकसीमी वरासत कब होती है? आप हर आयत के पीछे देखेंगे, मिन बादी वसीयत यूसी बिहा औ दैन, देखा जाएगा कि उसने वसीयत तो नहीं की है, देखा जाएगा उसके पास कोई कर्जा तो नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये तकसीम हो, वरना आगे नहीं चलना है। अच्छा, उसके बाद आबाउकुम वअबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ। यहाँ पे अल्लाह ताला जब तकसीम वरासत करता है कि कहीं किसी के जहन में एक ख्याल पैदा ना हो कि उसको क्यों मिलता है, उसको क्यों काम मिलता है, अल्लाह ताला इस चीज़ की वजाहत करता है कि आबाउकुम वअबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे माँ बाप में से कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाला है। यहाँ पे सवालों में से एक सवाल ये है कि जो आपके जहनों में भी खटकता होगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लड़की को लड़के के मुकाबले में आधा हिस्सा दिया गया है। जिसने भी सवाल किया है, क्योंकि हो सकता है ये सवाल रिपीट आया हो, तो यहाँ पे कागज़ में एक ही जो है मर्तबा ये सवाल मेंशन, लेकिन ये सवाल हर एक का है, ये सवाल हर एक का है कि सवाल पैदा होता है कि कानूनी वरासत में लड़के को लड़की के मुकाबले में दो हिस्से क्यों दिए जाते हैं, है ना सवाल। पहले मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा। एक बाप के दो बेटे हैं, एक लंबा है और एक पस्त कद का है, एक लंबा है एक और पस्त कद का है। एक चन ये दो पलाव एम से लगान 6 मीटर, बेच लगान 4 मीटर। अगर छोटे कद का कहेगा कि मुझे भी 6 गज वाला दे दो, तब इसका कारण दे कहाँ, आपको समझ में आए मिसाल? उसको 6 मीटर दिए गए क्योंकि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसका तकाजा यह है कि उसको 6 मीटर दिए। इसको 4 मीटर का बनाया गया है, क्यों? अब देखिए, इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मर्द के मुकाबले में औरत को आधा क्यों दिया गया। मर्द का जो सोर्स ऑफ इनकम है, खर्चाने की जरूरत किसको है? हमेशा जो है इस्लाम ने औरत को किसी भी मैदान में खर्च करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया। लड़की, एक औरत लड़की हो उसके ऊपर खर्च करेगा उसका बाप या भाई, वो माँ हो तो उसका शौहर और यानी उसका बेटा उसको खर्च करने का जिम्मेदार है, वो बीवी है तो शौहर। अब जिसके पास खर्च करने के लिए जगह नहीं है, यानी चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप क्यों देने जा रहे हैं? इस्लाम ने हमेशा किसको जिम्मेदार मुकल्लफ बनाया है? मर्द को। औरत को किसी भी मरहले में, देखो कौन से मरहले आते हैं औरत के, औरत या तो बेटी होगी या बहन होगी या माँ होगी या औरत शौहर बीवी होगी, चारों मरहलों में औरत को कभी भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मुकल्लफ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर खर्च करने वाला कौन है? अब जिसको खर्च करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी या औरत को?
उसको खर्च। और दूसरी चीज, एक औरत जो है उसको वरासत जो है मर्द के मुकाबले में ज्यादा तरीकों से मिलता है, क्योंकि उसका कोई शरीक नहीं। एक औरत को बेटी होने के नाते भी मिलती है, उसको मां के हैसियत में भी मिलती है, इसको बीवी की हैसियत में भी मिलती है, और इसको कभी बहन के होते हुए भी, लेकिन ये चीज मर्द को नहीं। तो ये दो जवाब काफी हैं कि आप इससे जो है ना ये समझ सकते हैं कि इस्लाम ने मर्द को क्यों ज्यादा, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए जो है ना उसको ज्यादा जिम्मेदारी है, जो जो ज्यादा जिम्मेदार होगा तो उसको ज्यादा मिलेगा। तो माँ बाप जिंदा हो, बीवी हो, बच्चे भी हो, तो माँ बाप को उसमें से कुछ वरासत मिल सकती है या उसको जरूरत नहीं है? मौत कुछ मौत कुछ अच्छा मर्द मौत बस मारद इसलिए मारा थोड़ी हम कहेंगे कि आदमी मर गया उसने अपने पीछे माँ बाप को छोड़ा, बीवी को भी छोड़ा और बच्चों को भी छोड़ा। माँ और बाप को, बाप को मिलेगा 1/6 और माँ को भी मिलेगा 1/6 और बीवी को मिलेगा 1/8 और बाकी जो है वो बच्चों को मिलेगा। ये मसला हम करेंगे हम, बाप माँ बीवी बेटा बेटी, बाप को 1/6, माँ को 1/6, बीवी को 1/8 और इनको मिलेगा बाप। हमारे पास 6 और 8 का अदद है, तो इसका जो हिसाब बनता है वो 24 से बनता है। क्या बनता है जो मैथ जानते हैं उसका एलसीएम से निकलेगा कितना है? 24 से पहले इसका कभी नहीं होगा। 24 एक ऐसा अदद है जहां आपको छठा हिस्सा भी निकलेगा और आठवां, तो छठे हिस्से में अगर आप इसको मिलेंगे कितने? 4, इसको 4, इसको 3, कस बचे का यहां पे 13 बच गए। यहां पे फिर जो है जरूरत पड़ेगी किसकी? तस्सी की। एलसीएम तो हो गया, अब तस्सी की जरूरत पड़ी क्योंकि इनके जो वैल्यू है वो 3 है और 13 3 में तकसीम, तो फिर ये जो है ना उठाकर इसके साथ कुदा को वो बात ही नहीं है कि आप यहां से बोलोगे, आप कैलकुलेटर से बोलोगे 72। इतनी देर में आपने बोला, तो यहाँ पे आपको बाप को मिलेगा 4 3 12 4 3 12 3 3 9 कितने रह गए? अब रह गए 39। यहाँ 13 को इसके साथ दर्ब लगा तो कितना गए? 39 में से जो है इसके 3 ही से करो, इसको मिलेंगे 26 और इसको मिलेंगे 13। ये इसका हल बोकस खोश फिकिर से जरूरत की है। चले हमने कहा ना सवाल का जो सिलसिला है ना वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास दो आदमी हैं या दो किस्म के लोग हैं जिनका अभी हिस्सा हमें देना है, कहीं फिर वो लोग जो है ना डिमांड ना करें। हाँ दूसरी आयत में इसके बाद जो है अल्लाह ताला जो है मियां बीवी का हिस्सा बयान करते हैं। आदमी अगर मर्द है तो वो अपने पीछे किसको छोड़ेगा? बीवी को। और अगर मरने वाला औरत है तो अपने पीछे किसको छोड़ेगा? ज़ौजा को छोड़ेगा। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन। यहां पे शौहर की दो कंडीशन है, शौहर की यहां पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि इल्लम यकुल लहुन, ये शर्तिया है, अगर मरने वाली बीवी का औलाद नहीं है तो उस सूरत में शौहर को मिलेगा निस्फ 1/2। शौहर की कितनी कंडीशन है? 2।
एक कंडीशन क्या है, अगर मरने वाली औरत का औलाद नहीं है तो उस सूरत में उसके शौहर को मिलेगा एक बटा दो। फइन लम यकुल लह फइन कान लहुन वलद, क्या है फइन कान लहुन वलद फलकुम अर्रुबउ मिम्मा तरकना मिन बादी वसीयतिन तूसुना बिहा औ दैन। यहाँ पे शौहर की दूसरी कंडीशन बयान की गई, अगर फइन कान लहुन वलद, अगर उनका बच्चा होगा, किसका, मरने वाली बीवी का अगर बच्चा होगा, चाहे इस शौहर का या दूसरे किसी शौहर का, मुजरद यानी अगर मरने वाली का बच्चा है तो उस सूरत में फलकुम रुबउ, तुमको मिलेगा कितना, एक बटा। तो शौहर के कितने हिस्से हो गए, कितने कंडीशन है, दो। शौहर को कभी अपनी बीवी से आधा हिस्सा मिलेगा और कभी एक बटा चार। कब मिलेगा आधा हिस्सा, अगर बीवी का बच्चा नहीं है, और अगर बीवी का बच्चा है तो उस वक्त एक बटा चार। तो ये हो गया शौहर का हिस्सा। अब हम आते हैं बीवी बीवियों का हिस्सा, क्योंकि शौहर एक ही होता है और बीवियाँ एक से ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना अल्लाह ताला ने कौन से शब्द इस्तेमाल किया, वलहुन्न, हाँ, चाहे एक आदमी की एक बीवी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वलहुन्न अर्रुबउ मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद। यहाँ पर भी बीवी की दो कंडीशन है, क्या है, दो कंडीशन। और अलमी इस बात का है कि कश्मीर चुन अच्छी कंडीशन अल्लाह कहीं याद थोमुत, ये हमेशा अके लफ्ज खानदारी दर ओठ बोग, मैंने आज तक चोर बोग नहीं सुना, अच्छा बुझमत बुझम, हालांकि यहाँ पे पहले यही है, वलहुन्न रुबउ, रुब कितना हो गया एक बटा चार, पशो साहब बुझमुस है, ये अके कैच ओठ बोग, पहले देखो मरने वाले की औलाद है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कहा गया कि इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर मरने वाले की औलाद नहीं है तो उस सूरत में वलहुन्न, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उनको कितना मिलेगा एक बटा चार। तो दूसरी कंडीशन में वाजह है, अगर फइल्लम यक फइन कान लकुम वलद फलहुन्न अस्मुनु मा तरकतुम, अगर मरने वाले शौहर को औलाद होगी, चाहे उस बीवी से होगी या इन बीवी से होगी या दूसरी बीवी से होगी, तो उस सूरत में बीवी को, एक को, दो को, तीन को, चार को कितना मिलेगा, अस्मुनु एक बटा, ये को अठ बोग। तो जिस तरह मर्दों के शौहरों के दो हिस्से हैं या दो कंडीशन हैं, उनको आधा भी मिलेगा या एक बटा चार, इसी तरह औरतों के भी क्या है, दो कंडीशन है, उनको एक बटा चार कब मिलेगा, जब मरने वाले शौहर की औलाद नहीं है, और अगर मरने वाले शौहर की औलाद है तो उस सूरत में बीवी को एक बटा आठ मिलेगा। तो हमारे पास जो वारिसीन है, उसूल, हाँ, फरू और निकाह वाले ख़त्म हो गए। अभी हमारे पास जो है एक और रिश्ता रहता है, वो है बाई। अच्छा, मैंने कहा कि जो बहन भाई है वो तीन तरह के हैं। एक बहन भाई वो है जो मैयत के साथ माँ बाप में शरीक है, जिसमें सुनो वो सख बोई की बहन है। दूसरा कौन है, जिनके बाप मुश्तरक हैं माएँ। तीसरा कौन है, जिनकी माएँ मुश्तरक हैं और बाप, जो पहला और दूसरा है सगा या बाप शरीक, बहन भाई, इनका जिक्र जो है सूरह निसा की आखिरी आयत में, यस्तफ्तून का फिल कलाल। अभी इस आयत में जिसका जिक्र है वो कौन है, सुच माजिब हुए, कुछ माजिब परस व इन कान, आपको आपको पढ़ो आरिफ सब कर सको, व इन कान रजुल यूरसु कलालतन औ इमरातुन वलहु
अखुन आओ उख्तुन फलिकुल्ली वाहिदिम मिन्हुमा अस्सुदुस। ये किसका जिक्र है? ये चु माजिब सुन क्या चु मे वो अच्छे बायन कस कस्म ये पेटिम जो उनका जिक्र कहाँ आएगा? आखिरी आयत में। ये इस आयत में जहाँ पे जो जिन भाइयों का जिक्र है वो कौन है? वल्लहु अखुन औ उख्तुन, ये माँ शरीक भाई है। अच्छा, व इनकान रजुलुन यूरसु, अगर आदमी इस हाल में मरता है वो कलाला है, यानी वो मुवरिस बनता है। किस हाल में? यूरसु, ये मजहूल का सेगा है। अगर आदमी उसकी वरासत तकसीम करनी होगी किस हाल में? कि वो इस दुनिया से कलाला की सूरत में चला। कलाला किसको बोलते हैं? जिसका माँ बाप नहीं है, जिसका माँ बाप नहीं है, या जिसका बेटा नहीं है, जिसका बेटा नहीं। क्योंकि अगर माँ बाप या बेटा होगा तो उस सूरत में ये भाई की छुट्टी होती है। कुछ बोए माजी बोए, इनका हिस्सा कब मिलेगा? जब आदमी कलाला होगा। कला से मरा क्या है? जिसका माँ बाप नहीं होगा और जिसका बेटा नहीं होगा। तो उस वक्त फला वला हु अखुन, उसका भाई है, मरने वाला का भाई है। कौन भाई? माजी बोय। आउ उख्तुन, या यहां पे देखे आउ या, चाहे माँ शरीक भाई है या माँ शरीक। फलिकुल्लि वाहिद, हर एक को कितना मिलेगा? असदुस, एक बटा छः। इसका मतलब यह है कि अगर मरने वाले ने अपने पीछे भाई छोड़ा, एक भाई, उसको भी मिलेगा एक बटा छः। अगर उसने अपने पीछे बहन छोड़ी तो उसको भी मिलेगा एक बटा छः, लेकिन अलग अलग, सेपरेट, अलग अलग। इसके बाद क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? फ इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फहुम शुरकाउ फिस्सुलुसी। हाँ, यहाँ इनकी भाइयों की पहली कंडीशन क्या बताई गई? अगर ये अलग अलग है, एक भाई है उसको मिलेगा एक बटा, या एक बहन है उसको मिलेगा। अब अगर ये इकट्ठे हैं, फ इनकानु अक्सर मिन ज़ालिक, अगर ये एक से ज़्यादा हैं, चाहे दो बहनें हैं या दो भाई हैं या एक भाई है एक बहन है, कुछ बोए माजूद, फहुम शुरकाउ फिस्सुलुस, तो उस वक्त वो उनको कितना मिलेगा? एक बटा तीन। लेकिन ये एक बटा तीन जो है इनको इक्वल शेयर में मिलेगा, और कानूनी वरासत में ये कानूनी, ये कानून से मुस्तस्ना है। कौन लोग? ये बहन भाई। कानूनी वरासत में क्या है कि जहाँ पे मर्द और औरत को हिस्सा मिलेगा तो मर्द को औरत के मुकाबले में दुगना मिलेगा, लेकिन ये बहन भाई इस कायदे से मुस्तस्ना है। इनको अल्लाह ताला ने क्या मुस्तस्ना करा दिया? इनको अल्लाह ताला ने फरमाया फ इनकानु अक्सर मिन ज़ालिक, अगर ये इकट्ठे होंगे, अगर भाई है तो इसको एक बटा छः, बहन है तो एक बटा, अब अगर ये इकट्ठे होंगे, एक आदमी मरता है उसने अपने पीछे एक बहन और एक भाई को छोड़ा, फहुम शुरका उ फिस्सुलुस, उनको कितना मिलेगा? उनको मैयत के हिस्से में से एक बटा तीन मिलेगा, और वो शरीक हैं। शरीक का मतलब क्या है? डेढ़ उसको, डेढ़ इसको, बराबर। तो ये भाइयों का यहाँ पे हिस्सा ख़त्म हो गया। अब जो है ना, आप सूरह निसा की आखिरी आयत पढ़ लो। आग बटा त्रे दे पत बकरा तुम हाँ, ये वसीयत के बारे में अल्लाह ने फरमाया मिम्बाद वसीयत यूसी बिहा उदैन गैर मुदार, यानी वसीयत इंसान ऐसी नहीं करना चाहिए कि जिससे इंसान किसी को नुकसान पहुंचाए। देखिए वसीयत क्या है? वसीयत एट लिस्ट क्या है? सदका है। अगर आपको सदका करना ही है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्दा बिमन तऊ, साद बिन अबी वक्कास को जब अल्लाह के नबी मक्का में किस दे गए, वो बीमार पड़ गए, उनको लगा कि मैं मर रहा हूँ, हालांकि उसके बाद वो अल्लाह के नबी के दौर के बाद भी जिंदा थे ना, साद बिन अबी वक्कास, लेकिन जब उसने बीमार हुए तो अल्लाह के नबी उनकी इयादत के लिए गए। उसने कहा कि मेरे पास एक ही बेटी है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना माल डोनेट करूँ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, कहा आधा, कहा नहीं, कहा एक बटा तीन, कहा एक बटा तीन भी ज़्यादा है लेकिन करो एक बटा तीन। उसके बाद अल्लाह के नबी ने उससे फरमाया कि
कि अगर तुम अपने वारिसिन को कैसे छोड़ोगे, अग्निया, अगर तुम अपने वारिसिन को किस हाल में छोड़ोगे, अग्निया, खैरुल लकमिन अन, कि उसके बाद वो तुम्हारे मरने के बाद अपने हाथ फैलाए। बेहतर यह है कि इंसान ये चुना कहा इंसान अपन मसल मशी पन्न औलाद वहाँ अगर औलाद छी असल माली पूरे साउंड से सो अगर तभी बना मस्जिद शुभान तमें सदक कर शुभान सी यम ट्रस्ट शुभान जब उसके अपने बेटे यतीमों की जिंदगी गुजार रहे हैं तो उसका सदका कैसे होगा। यही अल्लाह फरमाता है मिम बादी वसीदी वसी बिहा औदैन गैर गैर मुद्दार। आखिरी आयत पढ़ो यस्तफ्तूनक, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कुलिल्लाह युफ्तीकुम, अल्लाह ताला इसका आपको जवाब देता है, इनका है ना हाँ फिल कलाला इन इमरुन, कलाला के लिए बारे में अल्लाह ताला आपको फतवा देता हुक्म इन इमरुन हलक, अगर आदमी मरता है लैसा लहू, यहां पे कलाला की तारीफ यह है इन इमरुन हलक लैसा लहू वलद, उसका कोई बेटा नहीं है, वलहू उख्तुन फलहा निस्फ अच्छा जिस तरह हमने कहा कि औलाद की कितनी कंडीशन बयान की गई, कितनी तीन सर चाहिए प्रश्न यी अगर तो ये टाइम हेत आत कर फायद तुल ये मा बगरा कह चीज अत तुल फायद अ टाइम तो मैं कह रहा था कि औलाद की कितनी कंडीशन बयान की गई, औलाद या तो मिक्स में होंगे या एक बेटी होगी या सेम आपको यहाँ पे मिलेगा, बहन भाई भी इसी तरह मिलेंगे, एक इंसान को या तो बहन भाई इकट्ठे होंगे या एक बहन होगी या दो या दो से ज़्यादा। यहाँ पे देखो अगर आदमी मरता है इनिमर उन हलक, अगर आदमी मरता है लई से लहू वलद, उसका अपना बेटा, क्योंकि कलाला के बारे में यहाँ पे यस्तफ्तून कुलिल्लाह युफ्तीकुम फिल कलाला, किसके बारे कलाला के बारे में हमने क्या कहा जिसका माँ बाप नहीं है। यहाँ पे एक और वजह थी कि कलाला कौन है जिसका बेटा भी नहीं है, जिसका बेटा भी अगर इस हाल में इंसान मरता है कि उसका ना बाप है ना माँ है और ना बेटा है, वलहु उख्तुन उसकी एक बहन है फलहा निस्फु मा तरक, उसको अपने भाई में से कितना मिलेगा। यहाँ पे बयान नहीं किया गया कि ये सगी बहन है या बाप शरीक बहन है, लेकिन वजाहत ज़रूरी है कि बाप शरीक बहन को हिस्सा तब मिलेगा जब सगी बहन नहीं है। ये आप कानून में याद रखें कि सगी बहन को छोड़कर बाप शरीक बहन को तब मिलेगा जब सगी बहन नहीं है। तो यहाँ पे इस स्टेप से आप चलेंगे, तो अगर यहाँ पे इसीलिए जो है ना मुख्तर कहा गया कि अगर उसके पास बहन है तो बहन को कितना मिलेगा, अगर एक बहन है तो बहन को मिलेगा एक बटा दो, हाँ वह हुआ यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद। अच्छा ये सिर्फ बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि भाई भी बहन का वारिस है, कब, जब बहन का बेटा नहीं है। ये टू साइड है, भाई की वफात के वक्त उसकी बहन भी वारिस है और अगर बहन मर गई तो उसका अपना बेटा नहीं है तो उस वक्त भाई उसका। तो यहाँ पे दोनों साइड से मरने वाला मर्द होगा या औरत होगी, मरने वाला मर्द होगा तो उसकी बहन होगी तो वारिस बन जाएगी, मरने वाले औरत है तो उसका भाई है तो उसको वारिस। उसके बाद फइन कानत इस्नतैनि फलहुमा अस्सुलुसानि मिम्मा तरक, ये दूसरी कंडीशन किसकी, भाइयों की, जिस तरह औलाद की दूसरी कंडीशन बयान की गई या तो एक बेटी होगी या दो बेटियां होगी या दो से ज्यादा या मिक्स में होंगी, तो ये दूसरी पोजीशन है। फइन कानत इस्नतैनि, अगर ये बहनें दो होंगी फलहुमा अस्सुलुसानि मिम्मा तरक, तो मरने वाले के तरके में से उनको कितना मिलेगा, दो बटा अस्सुलुसान, अस्सुलुस एक होता है एक बटा तीन, अस्सुलुसान दो बटा तीन यानी दो डबल। हाँ वह इनका अब अगर ये भाई हैं
एक बहन को छोड़कर ये एक पोजीशन है, दूसरी दो बहनें हैं। अब अगर दो या दो से ज़्यादा, अगर तीसरी पोजीशन में क्या है, वह इनका नो इखवा, अगर भाई है इखवा, ये जमा का सेगा है, रिजालो व निसा फलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल, तो उस वक्त कौन सा कायदा होगा? जिस तरह औलाद के बारे में हमने कहा कि अगर वह औलाद मिक्सिंग में है तो उस वक्त भाई बेटे को दो हिस्से और बेटी को एक हिस्सा, इसी तरह अगर बहन भाई आपस में मिक्स है तो भाई को दो हिस्से मिलेंगे और बेटी को, बहन को एक हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से जो है कानूनी वरासत जो कुरान की आयत के तनाजुर में जो मुख्तसर आपने सुना ये ख़त्म हो गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कल से जो है ना वरासत तकसीम करनी शुरू हो जाएंगे। फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तिलवा कर इसका फ़ोन नहीं बस, चलो कोई बात नहीं। आजकल ऐप भी आई है, आजकल मोबाइल के अंदर एक ऐप भी है, उसमें भी आप अच्छी तरह से जो है ना तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अरबी होनी चाहिए थोड़ी सी। उसका नाम है अल मवारिस, उसमें आप देखेंगे ऊपर तरका देगी, तरका की जो है ना आप जो अमाउंट हो वो दे देंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे वारिस, वो खुद भी देगा, मसलन मरने वाला मर्द है या औरत, उसके बेटे कितने हैं तो आप प्लस माइनस में कर लेंगे, बेटे कितने हैं प्लस माइनस में करेंगे, उसके बाद उसकी बीवियाँ कितनी हैं उसमें प्लस माइनस चलेगा, उसके बाद माँ बाप जिंदा है या नहीं, उसके बाद जो खुद बताता है वहाँ पर ऑप्शन, तो फिर आप दे देंगे गो, तो फिर वो आपको हर एक का जो है बताएगा।